हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आप सब ने ये न्यूज़ तो सुनी ही ली होगी कि 700 स्टूडेंट कनाडा से डिपोर्ट होने जा रहे हैं। हर जगह ये न्यूज़ चल रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब टिकटॉक पे भी, इवन हर जगह ये खबर मिल रही है कि भाई कनाडा से 700 स्टूडेंट डिपोर्ट होने जा रहा है इंडिया वापस। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कि क्यों ये बच्चे डिपोर्ट होने जा रहे हैं और क्या अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और प्रोटेस्ट भी आपने देखा होगा वीडियोस की, प्रोटेस्ट चल रहा है ब्रैम्पटन के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट्स के साथ और क्या रियलिटी है इनकी। ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये सारे आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे 2016-2017 में ये बच्चे आए थे। और इन बच्चों के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ बच्चे आए थे जलंधर से हैं, जलंधर का एक एजेंट है, उसने क्या किया, फेक ऑफर लेटर के साथ इनको वीज़ा दिलवा दिया। अब उसने क्या किया, एक स्टूडेंट की जो मैंने स्टोरी सुनी है उसके मदर ने बताई थी, उसने बताया कि एजेंट ने क्या किया कि एक लड़के को शेरिडन कॉलेज के अंदर ऑफर लेटर दिलवा दी, फीस खुद ले ली, सब कुछ करवा दिया और उसके बाद वीज़ा लगवा दिया। अब देखो कि फेक ऑफर लेटर के साथ उस एजेंट ने उसका वीज़ा लगवा दिया कैनेडा का। अब वो बच्चे आगे कैनेडा के अंदर, अब उन्होंने जब यहाँ पर आके देखा कि उनकी तो भाई यहाँ पे एडमिशन ही नहीं हुई, वो कॉलेज गए, अब कॉलेज में जाएंगे कैसे, क्लासेस कैसे लगाएंगे जब ऑफर लेटर ही फेक है, तो एडमिशन लेटर तो उनका कोई ना ही स्टूडेंट आईडी ना ही कुछ भी उनका स्टार्ट नहीं हुआ, क्लासेस उनको इनरोल नहीं हुई क्योंकि भाई उनकी ऑफर लेटर फेक थी। अब वो बच्चों ने घर कॉल करी, जब घर कॉल करी तो उन्होंने बताया कि एजेंट से बात वगैरह करी, वो सारे परेशान, एजेंट कह रहा है नहीं कॉलेज चेंज करवाएंगे, आपके बच्चे की एडमिशन कैंसिल होगी, उसने बस वैसे ही मीठी गोलियाँ दे के भाई उनको टरका दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि वो बच्चों ने कॉलेज चेंज किया कनाडा के अंदर ही और दोबारा से फीस पे करी खुद से, एजेंट ने, उसके मदर ने बताया कि इवन एजेंट ने पैसे भी नहीं दिए उन्हें वापस अब तक। तो चलो अब ये बात होगी कि कॉलेज चेंज हो गया, बच्चों ने ठीक है जी अब कॉलेज चेंज कर लिया, पैसे दोबारा लगा दिए, पेरेंट्स कहते चलो ठीक है जो हुआ, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करी, वर्क परमिट लिया 3 साल का। लेकिन 3 साल के बाद जब उन्होंने कनाडा का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद जब उन्होंने PR की फाइल लगाई ना भाई साहब, तब इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोल दिया A44 नोटिस भेज के कि भाई आप कनाडा के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटर हुए। अब आप बताओ इसमें किसकी गलती है, क्या स्टूडेंट्स की गलती है? भाई जब तुमने वीज़ा दिया तब ने वेरीफाई किया, ठीक है इमिग्रेशन ऑफिसर की तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑफर लेटर वो वेरीफाई करे। उसके बाद जब कनाडा आते हैं CBSE ऑफिसर जो एंट्री देते हैं कनाडा के अंदर, उन्होंने चेक किया, जब बच्चे ने वर्क परमिट अप्लाई किया आपने तब नहीं चेक किया, उसके बाद भाई अब PR के टाइम पे क्यों कर रहे हो आप, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों की गलती नहीं है, आप देखो आपको पता लग ही गया होगा भाई बच्चों की क्या गलती, बच्चों को क्या पता कि ऑफर लेटर फेक है या सही है, उनको तो एजेंट ने ऑफर लेटर दिलवा दी। अब इसमें बच्चों की थोड़ी गलती है कि भाई अब एजेंट ने ऑफर लेटर दिलवा के दिया, अब हमें तो लगेगा भाई ठीक है, अब जब वीज़ा ही आ गया, ठीक है जब पासपोर्ट स्टैम्प होके आ गया तो ऑब्वियसली बात है ना वीज़ा जेन्युइन है, कनाडा बच्चा पहुंच गया सब कुछ, तो फिर कैसे कोई डाउट करेगा। तो ये तो भाई सरासर मतलब इमिग्रेशन की गलती है और थोप बच्चों पे रहे कि नहीं आपकी। अब इमिग्रेशन ऑफिसर और जो कह रहे हैं कि भाई नहीं अब फेक ऑफर लेटर के साथ आप आए हो तो आपको भाई डेपोटेशन का, एक लड़का है जी लवप्रीत है जी, उसको तो इन्होंने 13 तारीख की टिकट भी कटवा दी उसकी, आज 11 तारीख है कनाडा के अंदर, और परसों की उसकी टिकट भी इन्होंने कटवा दी कि भाई तेरी डेपोटेशन तो पक्की है। अब उसके पेरेंट्स की वीडियो आई थी भाई, वो इतना रो रहे थे, आपको सबको पता है कि फाइनेंशियली जो भी कनाडा के अंदर स्टूडेंट आता है उसके फैमिली बैकग्राउंड थोड़े वीक होते हैं, है ना, हर किसी के वीक होते हैं, इतना कोई फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग होता, पर अब इसमें बच्चे की थोड़ी गलती है भाई को। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, फिर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया उन्होंने, अच्छे से दबा के सब ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लीडर्स ने सपोर्ट किया, पार्लियामेंट के मेंबर्स उन्होंने सपोर्ट किया। पर अब खुशखबरी की बात यह है कि उस बच्चे को स्टे मिल गया, कुछ देर के लिए उन्होंने स्टे दिया, अब वो और वेरीफाई करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसमें से सारी बड़ी बात ये आती है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ये तो सरासर इमिग्रेशन की गलती है भाई, आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने चेक नहीं किया, तो फिर बच्चों पे एट द एंड जब PR लगाने लगे तो वो भी उनका हक है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो जेन्युइन करी है, अगर वो फेक ऑफर लेटर एंटर हुए भी है तो उसके बाद उन्होंने कॉलेज चेंज करके पढ़ाई जेन्युइन करी, वर्क परमिट लिया, एक्सपीरियंस किया, जब सब कुछ किया तो वो तो जब फेक ऑफर लेटर लगाई है वो तो आपको तब पता होना चाहिए कि तब आपको वेरीफाई करना चाहिए था, अब क्यों कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब बस ये है कि प्रोटेस्ट करके उन्होंने भाई साहब स्टे तो ले ली है, सारे बच्चों को स्टे मिल गई है। अब ये 700 बच्चे नहीं है, 700 से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन 700 से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी इन्होंने वेरीफाई करके जो फेक ऑफर लेटर के साथ एंटर हुए हैं कनाडा के अंदर। अब जो बच्चे आ रहे हैं, अब आगे के लिए भाई क्या होने वाला है,
अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है जब भी आप ऑफर लेटर मंगवाओगे किसी भी एजेंट्स, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है ना, कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है, बहुत ही कम है जो रजिस्टर्ड एजेंट है IRCC की तरफ से, लेकिन बहुत सारे ऐसी भाई ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, अपने एजेंट फाइल लगवा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि भाई सही है काम कर रहे हैं गलत कर रहा है। तो आप लोग भाई आगे से क्या कर सकते हो, मेरे को लगता है जो करना चाहिए कि जब भी कोई ऑफर लेटर आए या हर डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना चाहिए, आपको कॉलेज में मेल डाल के पूछना चाहिए, ठीक है, कॉल करके पूछ लेना चाहिए ज़्यादा बात है तो, क्योंकि इंडिया से भी कॉल हो जाती है, भले थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से आप रात को उधर कॉल करो और पूछो यहाँ पे कि वाकई में उनका कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी ध्यान रखो कि क्या प्रोसेस चल रहा है, एजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी थोड़ा ध्यान रखो, वैसे तो इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, पर थोड़ा सा आप अगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद चीज़ें वेरीफाई करने स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, खास करके ऑफर लेटर्स का, ऑफर लेटर फेक ऑफर लेटर का। अब देखो पहली बार ही केस हुआ, इतने सारे बच्चे जो निकले हैं और सबको उन्होंने नोटिस दिया, A44 नोटिस दिया उनको। तो बस यही थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो।